पिछले क्लास में फ्रेंड्स हमने केल्विन का नियम, लिमिटेशन और केल्विन का इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इसको विक्रेता का नियम कहते हैं, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप लोग जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन कॉलेज की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पर जाता है असाइनमेंट क्वेश्चन को सबमिट करिए, उसी के आधार पर आपका सिस्टम मार्क्स डिसाइड होगा। जब आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भेजा जाएगा तो आप उसको जरूर सबमिट करिएगा कॉलेज में लाके। असाइनमेंट स्टूडेंट्स ये है कि आपका जो सिलेबस अभी तक डिस्कस हो रहा है, फ्रेंड्स थोड़ा सिलेबस में बदलाव किया हुआ है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी तीनों यूनिट हैं इसको केवल एक ही यूनिट में मर्ज कर दिया गया है। आप लोग परेशान ना होइए, जितने भी टॉपिक आपने डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक आपके पहली यूनिट में ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुराने अकॉर्डिंग था यूनिट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जिसमें यूनिट था, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब पहली यूनिट में मर्ज कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स इसलिए बेफिक्र रहिए, आप लोग जितना भी क्वेश्चन आपने कवर किया है वो पहली यूनिट के ही सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं नया सिलेबस आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग में जो है डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। ये सारे टॉपिक आपको पहली यूनिट ही चल रहे हैं, मान लीजिए अगले से हम मॉडिफाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। फ्रेंड्स इसमें मैकेनिकल फीचर्स में हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन को जब डिजाइन किया जा रहा था तो हमने आपको बताया था फ्रेंड्स इसको क्या क्या चाहिए, लाइन सपोर्ट चाहिए, लाइन को सपोर्ट करने वाला पिलर चाहिए, इसमें हम स्टील को यूज करते थे और बोर्ड को यूज करते थे, सीमेंट कंक्रीट को यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि आपकी इंसुलेटेड डिस्क भी चाहिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इंसुलेटेड डिस्क भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा फ्रेंड्स मेन जो टॉपिक है वो मैकेनिकल फीचर्स, अर्थात जो हमारे सपोर्ट मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, इन दोनों सपोर्टों के बीच में मान लीजिए हमने एक ट्रांसमिशन लाइन को बांध दिया। अगर ट्रांसमिशन लाइन को बांध दिया फ्रेंड्स इसके लिए निश्चित दूरी होती है फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो दो पोल के बीच जितना मान किया उतनी लंबी दूरी में कर दिया और ट्रांसमिशन लाइन को बांध दिया, तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन में झोल आ जाएगा, लचकपन आ जाएगा फ्रेंड्स, जिससे क्या है ट्रांसमिशन लाइन आपका जब हवा तेजी से चलती है तो टूटने का डर हो सकता है, खतरा हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम यदि ट्रांसमिशन लाइन को एक ही तल में स्थित दो सपोर्ट पर बांध कर स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ दें तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में एक नेचुरल तरीके से झोल उत्पन्न हो जाता है कर्व के रूप में, जिसे हम झोल कहते हैं अर्थात सैग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हम ऐसे भी क्या डिस्कस कर रहे हैं, सैग सैग को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, सैग को बोलेंगे हम झोल। झोल फ्रेंड्स कब उत्पन्न होता है, जब एक ही तल में स्थित दो सपोर्ट में हम ट्रांसमिशन लाइन को बांधकर स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो यह ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर नेचुरल रूप से एक कैटेगरी कर्व के रूप में नजर आएगा, अर्थात झोल के रूप में नजर आएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिकल मीटर में सैग बोलते हैं, सैग। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांसमिशन लाइन ये हमारे देखिए ये सपोर्ट हो जाएगा, ये भी सपोर्ट हो जाएगा, ये आपकी इंसुलेटिंग डिस्क है, ये भी आपकी इंसुलेटिंग डिस्क है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपकी ये 11 किलो वोल्ट की डिस्क है तो ये 35 किलो वोल्ट की लाइन मान लीजिए है। अब 35 किलो वोल्ट की लाइन पे आपने क्या किया, लाइन कंडक्टर को बांध दिया दो पोल के बीच में। तो फ्रेंड्स दो पोल के बीच में अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखा तो इसमें क्या होगा, लाइन कंडक्टर हमारा झोल खाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और झोल खाएगा उससे फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आपका तेज हवा चलती है ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा, इसके टूटने का खतरा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि लाइन कंडक्टर है, ये एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन कंडक्टर। तो फ्रेंड्स जो सैग का हम मापन करेंगे वो यहाँ के सेंटर से और ये आपको जो झोल उत्पन्न हो रहा है ये इतनी हाइट हमारा झोल है, इसका मतलब इसके न्यूनतम बिंदु और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के सेंटर से जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, सैग कहलाएगी, झोल, अर्थात हमारे लाइन कंडक्टर में इतना झोल उत्पन्न हुआ है, ये झोल का एक सफिशियंट वैल्यू होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर बहुत ज़्यादा आपने झोल किया तभी प्रॉब्लम है, और थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स हमें इसमें झोल देना पड़ेगा नेचुरल तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए
ठंडी का मौसम जब आता है, शरद ऋतु आती है फ्रेंड्स, तो हमारे लाइन कनेक्टर के तारों में एडहेशन उत्पन्न होती है। उस एडहेशन की वजह से हमारे लाइन कनेक्टर के अगर हम सैग वॉइड ढीकी भी थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, इसमें एडहेशन की वजह से टेंसाइल फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लाइन कनेक्टर आपका टूट सकता है। इसलिए फ्रेंड्स हम जो सैग की मात्रा, ऐसा नहीं है कि सैग पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम लाइन कनेक्टर तक टांग के बांध देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। मतलब लाइन कनेक्टर फ्रेंड्स हमें सैग देना है, लेकिन सब उचित मात्रा में देना है, इतना ज्यादा नहीं कर देना फ्रेंड्स कि झोल खाया वो झूलता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक सफिशियंट अमाउंट में इसमें सैग प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा शरद ऋतु में जब तारों में एडहेशन होती है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो समय जो आपका तार हमारा एडहेशन की वजह से टूट न जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसीलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो लाइन कंडक्टर में सैग उत्पन्न हो गया है, उस लाइन कंडक्टर के सैग में कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं। चूंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जो हाई टेंशन लाइन है, वो खुले वातावरण में, खुले धूप में, बरसात में, हर मौसम को सहन करती है। तो फ्रेंड्स हमारे जो लाइन कंडक्टर हैं खुले वातावरण में रहते हैं, अर्थात खुले वातावरण के लिए लाइन कंडक्टर आपके दो सौ दो के बीच में लगे होते हैं फ्रेंड्स। तो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे फ्रेंड्स? पहला जो कारक होगा फ्रेंड्स वो होगा लाइन कंडक्टर का खुद का भार, अर्थात सेल्फ वेट ऑफ द लाइन कंडक्टर। जो भी फ्रेंड्स हम जानते हैं किसी भी लाइन कंडक्टर को दो सपोर्ट के बीच में ले लिया, आपने बांध दिया फ्रेंड्स, तो उस लाइन कंडक्टर का अपना खुद का वेट होता है, खुद के भार की वजह से भी लाइन कंडक्टर में झोल उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से उसको टाइटली बांधेंगे फ्रेंड्स कि लाइन कंडक्टर में हमारा वेट के कारण ज्यादा झोल के अमाउंट ना उत्पन्न हो सके। जो सेकंड पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो होगा आइस लोडिंग। आइस लोडिंग का मतलब क्या फ्रेंड्स? जो कि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारा लाइन कंडक्टर है खुले वातावरण में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और मान लीजिए बर्फीली क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ ज्यादा पड़ती है फ्रेंड्स, अब ऐसे कंडीशन फ्रेंड बर्फीली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फबारी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि यह बर्फ हमारे लाइन कंडक्टर पर जम जाती है, जब लाइन कंडक्टर हमारी बर्फ जम जाएगी फ्रेंड्स, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे लाइन कंडक्टर का खुद का भार होगा, साथ ही साथ इस आइस का भी, बर्फ का भी भार होगा, अर्थात हमारा हमारे लाइन कंडक्टर का भार और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स इसमें झोल उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय क्या होगा, दो वेट काम करेंगे, एक तो लाइन कंडक्टर का खुद का भार और दूसरा आइस लोडिंग बर्फ का भार, दोनों भार मिलकर हमारे लाइन कंडक्टर पे झोल क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस चीज को भी हमें ध्यान देना होगा। तीसरा फ्रेंड्स एयर प्रेशर। चूंकि फ्रेंड्स हमारे लाइन कंडक्टर जो खुले वातावरण में लगे होते हैं, मान लीजिए मौसम की असामान्य स्थितियों में फ्रेंड्स जो एयर प्रेशर है, अर्थात हमारे वायुमंडल की असामान्य स्थितियों में जब तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान की कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे लाइन कंडक्टर को एयर प्रेशर के क्रॉस हमें, मतलब वायु दाब के विपरीत हमें लाइन कंडक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, एयर प्रेशर को सहन करना होता है, और यह एयर जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स ये वायुमंडल की हॉरिजॉन्टल, यह वायुमंडल की हमारे जो लाइन जो आसमान स्थितियाँ हैं जैसे एयर प्रेशर है, ये फ्रेंड्स हमारे लाइन कंडक्टर पर हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, अर्थात फ्रेंड्स इसकी वजह से भी हमारा लाइन कंडक्टर में झोल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे लाइन कंडक्टर क्षैतिज अवस्था में लगे होते हैं, और असामान्य स्थिति में जैसे आपकी तेज हवाएं चलती हैं उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, इस पर एक प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से लाइन कंडक्टर में झोल क्रिएट हो सकता है। लास्ट फ्रेंड्स आपका जो चौथी कंडीशन हो वो है फ्रेंड्स लाइन स्पैन ऑफ द कंडक्टर, अर्थात दो सपोर्ट के बीच में हम कितनी लंबाई का लंबा तार कनेक्ट कर सकते हैं, वो फ्रेंड्स मेन डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी लंबाई से डायरेक्ट इस कंडीशन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा झोल फ्रेंड्स यही से क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सैग उत्पन्न होगी वो लेंथ ऑफ द या स्पैन ऑफ द कंडक्टर के स्क्वायर वर्ग के समानुपाती होता है फ्रेंड्स, अर्थात यदि आपने दो सपोर्ट के बीच में दूरी काफी ज्यादा कर दिया फ्रेंड्स, काफी दूर दूर पे आपने पोल लगा दिया और लाइन कंडक्टर को बीच में हमने बांध दिया फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में सैग का मान
सबसे ज्यादा होता है उस कंडीशन में सैग का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिकली देखा कि लाइन कंडक्टर को दो सपोर्टों के बीच के बांधने के बाद नेचुरल रूप से जो कैटेगरी कर्व उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, झोल बोलते हैं, सैग बोलते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा फ्रेंड्स इस लाइन कंडक्टर में उत्पन्न हुई सैग को कौन से कौन कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करेंगे, इसके चार कारक हमने बेसिकली डिस्कस किए फ्रेंड्स। लाइन कंडक्टर का खुद का भार, साथ ही साथ आइस लोडिंग, आइस बर्फ का भार, तीसरा आपका एयर प्रेशर की वजह से उत्पन्न क्षय, और चौथा था लाइन स्पैन ऑफ द लाइन कंडक्टर। तो ये कंडीशन थी फ्रेंड्स जो कि हमारे सैग को प्रभावित कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज की इतना ही क्वेश्चन, शेष क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।